नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर चिल्लाने वालों की खैर नहीं, अब तुरंत हो जाएगा एक्शन। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल आखिर कब बजेगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चुनाव की घोषणा को लेकर पेच ऐसा फंसा है कि उम्मीदवार टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक मतदान केंद्र और उसके आसपास विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। आयोग के मुताबिक मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन के भीतर या प्रवेश द्वार पर उसके आसपास किसी तरह की सार्वजनिक या निजी स्थान में अगर कोई चिल्लाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गाइडलाइन तय किया गया है। अब बिहार में सफर करना हुआ महंगा, प्राइवेट के बाद अब सरकारी बसों का भी बढ़ेगा किराया। अब बिहार में सफर करना और महंगा हो गया है, प्राइवेट के बाद अब इसी माह से सरकारी बसों का किराया भी बढ़ने वाला है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को दे दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश में डीजल से चलने वाले सरकारी बसों का किराया बढ़ाया जाएगा, जिसका बोझ आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकारी बसों के किराए में कितने की वृद्धि होगी, यह किराया निर्धारण कमेटी तय करेगी। इसके लिए जल्द ही कमेटी की बैठक होगी और तय किए गए दर को अप्रैल में ही लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में निगम के अधीन कुल 380 बसें हैं, जिसमें से 360 बसों का परिचालन अभी भी हो रहा है। डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकारी बसों का किराया बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया है, उसके तहत निगम द्वारा प्रस्ताव राज्य परिवहन आयुक्त को भेजा जाता है। इसके बाद किराया निर्धारण कमेटी की बैठक में तय होता है कि बसों का किराया कितना बढ़ाया जाए तो निगम और यात्री दोनों के लिए सही हो। हर मामले पर विमर्श के बाद बसों का किराया बढ़ाया जाता है। राज्य में शनिवार को कोरोना का टीका 1,03,000 लोगों को दिया गया। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना पॉजिटिव के 195 नए मामले पाए गए हैं। पिछले दिनों की तुलना में कोरोना के नए मामले में मामूली कमी हुई है, तो राज्य में एक्टिव केस की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,115 हो गई है। कोरोना के नए मामलों में पटना में सर्वाधिक 80 केस पाए गए हैं। राज्य में कुल 1,03,699 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। इसके साथ ही राज्य में कुल 26,23,741 लोगों को टीका दिया जा चुका है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शनिवार को कोरोना का पहला डोज कुल 1,91,000 लोगों को दिया गया, जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 83,667 लोग जबकि 45 से 59 वर्ग के 13,716 लोग शामिल थे। इस सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगारों को हर महीने दिए जाएंगे 1,000 रुपये। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए तोहफा लेकर आई है। सरकार ने बिहार में 12वीं पास 1,00,000 युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने का फैसला लिया है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब पहले की तरह 20 से 25 साल के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार की खोज में मदद करने के लिए रोजगार भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 2 साल तक भत्ता उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह रकम केवल उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसके तहत अभी तक 5,00,000 से ज्यादा युवाओं को लाभ दिया जा चुका है। अभी तक युवाओं को 650 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने नए आदेश के बाद अब साल 2021 से 2026 तक हर साल 150 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। होली के कारण बिहार में भी इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। मंगल पांडे ने कहा है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह सचेत है, सरकार सतर्क होकर काम कर रही है। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है, रोज तकरीबन 60 से 70 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है उसकी तुलना में बिहार में स्थिति ठीक है। राज्य में लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। बिहार में फिलहाल 1500 के आसपास एक्टिव केस हैं, किसी किसी जिले में बहुत कम एक्टिव केस हैं, लिहाजा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात अभी नहीं बने हैं। बिजली बिल भरने में लापरवाही भारी पड़ेगी, लग जाएगा सरचार्ज। जी हां, बिहार में बिजली की नई दर लागू होने वाली है। 1 अप्रैल यानी कि आज से 31 मार्च 2022 तक राज्य के करीब 1,66,60,541 उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। नए दर के मुताबिक सभी पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 1.5% सरचार्ज देना होगा। इस प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार में बकाया बिजली बिल पर 1.25% सरचार्ज था, लेकिन आज से उपभोक्ताओं को 1.5% सरचार्ज देना होगा। अब मीटर रीडिंग पर बिलिंग होने के 15 दिन के अंदर बिजली बिल जमा नहीं करने पर 1.5% सरचार्ज लगेगा और 2 महीने से ज़्यादा होने पर बिजली काटने की कार्रवाई होगी। जान ले रहा है नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, पानी भरते ही ध्वस्त हुई नल जल योजना की टंकी, दबकर 1 की मौत 3 घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय हर रोज बिहार में फैले भ्रष्टाचार की नई कहानी सामने ला रहा है। रोहतास जिले के नोखा इलाके के रामनगर गाँव में एक और बानगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत बनी पानी टंकी जैसे ही पहली दफे पानी भरा गया वह ध्वस्त हो गया। टंकी के मलबे से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। शुक्रवार को उसका ट्रायल किया जा रहा था। दोपहर के करीब 12 बजे जैसे ही टंकी में पानी भरा गया वैसे ही पूरी टंकी धराशायी होकर गिर पड़ी। पानी की टंकी ऐसे ध्वस्त हुई जैसे रेत की दीवार गिरती हो। रामनगर गांव में जब पानी की टंकी चालू हो रही थी तो कई लोग उसे देखने के लिए खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि टंकी के चालू होने से गांव में पीने के पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार ने जान ले ली। ध्वस्त हुई टंकी की चपेट में आने से रामनगर के रहने वाले 62 साल के काड़ीलाल चौधरी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं रामनगर गांव के ही बबन चौधरी के 22 वर्षीय बेटे दीपाली कुमार, अंबिका चौधरी के 14 वर्षीय बेटे मनीष कुमार उर्फ मिस्टर और मृतक काड़ेलाल चौधरी के 18 वर्षीय बेटे नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रम संसाधन विभाग ने निजी ITI में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद राज्य के निजी ITI के छात्र बिना क्लास किए परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विभाग के मुताबिक निजी ITI में दूसरे राज्यों से छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन वह क्लास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बिना क्लास किए कोई भी छात्र परीक्षा में नहीं बैठे। जून में विभागीय समीक्षा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि किस ITI में कितने छात्र हैं, कितनों ने नियमित क्लास किया है और उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम में मिलान होगा। उसके बाद उस छात्र को परीक्षा टिकट दिया जाएगा। EVM विवाद में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी बिहार सरकार, केंद्र और राज्य चुनाव आयोग में तकरार के बीच 4 अप्रैल का दिन खास। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली है, लेकिन EVM को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र की चुनाव आयोग इस मामले को लेकर अब आमने सामने हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच चल रहे विवाद के कारण ही बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार ने EVM को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को अस्वीकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने
राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हो सकते हैं। बता दें कि ईवीएम विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बिहार सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने की ठानी, विभाग जल्दी करने जा रहा है कानून में संशोधन। बिहार सरकार बालू और पत्थर के खनन से जहां 1000 करोड़ की भी राजस्व उगाही नहीं कर पाती है, वहीं इस धंधे में लगे अवैध कारोबारी 3 से 5 हजार करोड़ रुपए की सालाना रकम अपनी जेब में भर ले जा रहे हैं। शायद इसी कारण अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध खनन में शामिल वाहनों को विभाग जब्त करेगा और उसे नीलाम कर देगा। इस काम में खान एवं भूतत्व विभाग को पुलिस या परिवहन विभाग की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमरा ने गुरुवार को मीडिया को दी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।